हमारे 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं, 60 साल कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मौका भारत की जनता ने दिया। जब बैल जोड़ी थी तब बैल जोड़ी पर ठप्पे मारे, जब गाय बछड़ा था तो गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया पंजा को होड़ दिया, कभी 20 कलमी कभी 40 कलमी कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा होती रही, गरीबी हटाओ का नारा हुआ पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई। बहनों और भाइयों, देश के विकास के लिए हमारे यहां दो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, एक उद्योग क्षेत्र है और दूसरे हमारी खेती है, कृषि क्षेत्र है। अगर उद्योग क्षेत्र को अगर बढ़ावा देना है तो हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गांव में अच्छे रोड नहीं थे, गांव में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, किसानों को उनके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार युवाओं के हाथों को काम नहीं था, गरीबी भूखमरी और महंगाई के मार के कारण रोजगार को ढूंढने के लिए लोग शहरों में गए। ये कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों का परिणाम था। पहली बार हमने हिमाचल प्रदेश में अनेक रोड बनाए जिसका उल्लेख मैं करूंगा नहीं। 900 करोड़ का अभी जो लठियानी मंदली पुल की बात हुई, ये एक ही पुल 900 करोड़ का है जो भारत सरकार की ओर से मंजूर हुआ है और ये चुनाव समाप्त होने के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा, ये भी विश्वास मैं आपको देता हूं। एक एक रोड एक एक ब्रिज बनने से दो दो तीन तीन घंटे का फर्क पड़ता है और इसलिए बहनों और भाइयों बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट आ रहे हैं। हम एक ऐसे ऐसे नए नए रोड बना रहे, हिमाचल प्रदेश में टनल बना रहे, 20,000 करोड़ की टनल बना रहे। आपको पता होगा कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अभी अटल टनल बनी है हम केवल 8 मिनट में चले जाते हैं। वहां से निकलने के बाद लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं। लद्दाख लेह के बाद आगे हमने झोजिला टनल, जो आशिया की सबसे बड़ी टनल है जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी, वो केवल हमने 5,500 करोड़ में उसका काम दिया, पैसा बचाया, वो भी टनल का काम अब पूरा होते हुए आया है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि मेरे सहयोगी अनुराग जी, जिनका यहाँ के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, वो लोकसभा में खड़े है और विधानसभा में आपके लोकप्रिय देवेंद्र जी खड़े हैं, ये दोनों के कमल के फूल की बटन दबाइए, इनको विजयी बनाइए और हिंदुस्तान को भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त करने के हमारे संकल्प को सहयोग करिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करिए। और इसीलिए आप देवेंद्र जी को भी आशीर्वाद दीजिए, अनुराग जी को भी आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं।